गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, टूडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर 1 एंड द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज शैलो एंड द एनवायरमेंट. ओके, इन दिस चैप्टर शैलो इज अ गर्ल एंड वॉट इज द मीनिंग ऑफ एनवायरमेंट. एनवायरमेंट मीन्स आर सराउंडिंग्स, हमारी आसपास की चीजें, है ना. अब आसपास की चीजें क्या हो सकती हैं? आसपास की चीजें आप देखो, बेड है ना, कर्टेंस यानी पर्दे भी होंगे, विंडोज होंगे एंड डोर होंगे. ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें एनवायरमेंट के ही तो पार्ट होते हैं ना. ओके, चलो घर का, ये तो घर में है तो हमें समझ आया. अगर हम बाहर जाते हैं तो बाहर कौन कौन सी चीज़ें हमें दिखती हैं आसपास? ट्रीज, फ्लावर्स, व्हीकल्स, है ना. ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें भी तो एनवायरमेंट का पार्ट है ना. तो पता है, इस चैप्टर में ना शालू है ना, शालू वो एनवायरमेंट को ढूंढ रही है सब जगह, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि एनवायरमेंट क्या होता है. हमें तो पता है ना, जैसा मैम ने बताया, एनवायरमेंट मीन्स आर सराउंडिंग्स. तो शालू है ना, क्या करती है पता है? शालू सब जगह जाके एनवायरमेंट को ढूंढ रही होती है. बेड, अंडर द बेड, बेड के नीचे झुकती है, सब जगह देखती है. वेयर इज द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट कहाँ है और क्या होता है? तो वो क्या करती है, वो फटाफट रेडी हो जाती है. ओके, ब्रश कर लेती है, अच्छे से बात कर लेती है और फटाफट वो जाती है घर के बाहर. क्या करने जाती है? एनवायरमेंट को ढूंढने जाती है. तो ढूंढते 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 क्या दिखता है उसे? उसे उसका एक फ्रेंड दिखता है जिसका नाम था टीटू. टीटू इज अ स्क्विरल. ओके, टीटू कौन है? स्क्विरल है. तो वो जाते ही टीटू से पूछती है, यू नो व्हाट, आई एम फाइंडिंग एनवायरमेंट. व्हाट इज एनवायरमेंट, आपको पता है कि एनवायरमेंट क्या होता है? तो टीटू बोलता है, हाँ एनवायरमेंट तो एवरीवेयर है, एनवायरमेंट इज एवरीवेयर, वो तो सब जगह होता है. आपको पता नहीं है क्या? आप जो ब्रीद करते हो वो एनवायरमेंट है. आप कुछ बना रहे होते हो वो भी एनवायरमेंट का पार्ट होता है. इट मीन्स एनवायरमेंट इज एवरीवेयर. ओके, तो ये तो हमें समझ आया कि चैप्टर में क्या था. बट इस चैप्टर से हमें मोरल क्या मिलता है? हमें इस चैप्टर से मोरल ये मिलता है स्टूडेंट्स, दैट वी शुड नॉट कीप आर एनवायरमेंट डर्टी, वी शुड कीप आर एनवायरमेंट क्लीन. ओके, हमें हमारे एनवायरमेंट को क्लीन रखना चाहिए. अब आपको ध्यान होगा, अगर हम देखें तो मैम ने आपको एक एक्टिविटी दी थी. ओके, उस एक्टिविटी में मैम ने आपको बताया था 5 ways टू कीप आर एनवायरमेंट क्लीन, है ना. तो एनवायरमेंट हम क्लीन कैसे रख सकते हैं? मैम कुछ पॉइंट्स आपको बताएंगे, है ना. वी शुड नॉट कट ट्रीज, है ना. हमें ट्रीज कट करनी चाहिए? नो, हमें ट्रीज कट नहीं करनी चाहिए. वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, है ना. जो टैप होता है उसे हमें टाइटली बंद करना चाहिए ताकि हमें हमारे पानी का वेस्टेज ना हो. आई होप स्टूडेंट्स, शालू एंड द एनवायरमेंट चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा. थैंक यू.